हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ जी हैं जो मीटिंग में शामिल थे। मैं उनके साथ अभी ब्रीफ के साथ पूछना चाहूँगा कि क्या मीटिंग में सुबह से लेकर अभी तक हुआ और किस तरह का सरकार का रुख था और कैसे कैसे किस किस बिंदुओं पर चर्चा हुई। अभिमन्यु जी, देखिए मैं आपको सारी घटनाएं एज इट इज़ बता देता हूं ताकि जो हमारे दर्शक हैं लाखों करोड़ों वो अपने आप समझ जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। उससे उनको समझ में आ जाएगा कि मीटिंग आशाजनक रही या निराशाजनक रही। मीटिंग की शुरुआत में हमने ये बात कही कि भाई जो जो ट्रांसपोर्टर भाई जो जो अन्य साथी हमारे जो किसानों की सहायता कर रहे हैं, जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर पंजाब में उन्होंने अपनी बसें दे दी, जो फ्री में टिकट देते हैं फिर बहुत कम रेट में लेते हैं अपने किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और जो कुछ हमारे किसान साथी शहीद हो गए उनको किसी ने आर्थिक मदद की, तो अब NIA ने उनको नोटिस भेज दिया है जी। तो हमने कहा कि भाई आप ये किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करने का दबाने का प्रयास क्यों कर रही है सरकार जी। तो कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि जी NIA तो अलग डिपार्टमेंट में है, ऐसा है वैसा है। हमने कहा जी कैबिनेट में तो आप भी हैं जी। आप ये बताइए कि इस समय जो अगर NIA को अगर सच में कुछ गड़बड़ लगती थी उन लोगों के बारे में तो NIA ने पहले नोटिस क्यों नहीं दिया जी। जब वो आंदोलन में मदद करने लगे तब आप नोटिस देते हो उनको जी। और एक बार हमारा आंदोलन हमें जीत लेने दो, यदि आपको लगता है कुछ गड़बड़ आप बाद में देख लेना। आप इस समय आप डिस्टर्ब कर रहे हो इसका मतलब आपकी मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। आप चाहते हैं कि आंदोलन दब जाए, सरकार ये चाहती है कि आंदोलन दबे, सरकार लोगों को धमकाना चाहती है, डराना चाहती है, झुकाना चाहती है। लेकिन हम भी ये बात कह चुके हैं, चाहे 1 करोड़ बार कहलवा लो, जो हमारे किसान भाई हैं और जो आज किसानों के साथ खड़े हैं ये देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना ये झुकेंगे, ना ये दबेंगे, ना ये डरेंगे, ना ये पीछे हटेंगे। ये अपना शीश कलम करा लेंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये बात सरकार समझ ले। उसके बाद हमने एक बात और बोली हमारे लीडर्स ने कि भाई मोदी साहब तो ये कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग सरकार है उनकी, तो उनकी यदि वो सच में स्ट्रांग हैं तो एक जो आम आदमी जो शहीद किसानों की मदद कर रहा है, जो आर्थिक मदद दे रहा है उस परिवार को, उससे क्यों डर गए मोदी जी? इतने ही स्ट्रांग है मोदी जी। तो ये भी चीज़ें हुई। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कोर्ट के बारे में जब बात आई तो हमने एक बात कही, पहले कृषि मंत्री ने ये बोला कि भाई अब तो कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया है तो आप मानो एक तरीके से ये रिपील हो गए। हमने कहा जी रिपील में और सस्पेंड में फर्क होता है। रिपील होता है आपने परमानेंट रद्द किया, सस्पेंड तो क्या आप 2 महीने के लिए सस्पेंड रहे, दोबारा बाकी फिर से बहाल कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि देखो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो समझदार आदमी हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं। जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई कानून को रोक दो, जो कानून अभी अभी नया बना था, पहले तो सरकार ने कहा जी उसमें अमेंडमेंट कर देंगे। आज तक बलजीत भाई आप भी इतने पढ़े लिखे हो, क्या आपने कभी सुना है कि कानून नया बना हो और 2 महीने 4 महीने के अंदर ही उसमें 10-20 अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार हो जाए? अमेंडमेंट तो 20-25 सालों में होती है, यहीं पर अमेंडमेंट के लिए तैयार होगी सरकार। तो हमने कहा कि इसका मतलब कानूनों में गड़बड़ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रोका है तो हमारी बात पे ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है कि भाई कानून गलत हैं, आप इनको रद्द करो, आप इनको वापस लो। फिर हमने आगे एक बात कही जो हम पहले मीटिंगों में कहते आए हैं कि सरकार हमें अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी ना माने, सरकार हमें अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट ना माने। यदि हम ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं, अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को भी कहते हैं, ना तो हमने कभी चुनाव लड़ा, ना कोई चुनाव हमने कोई किसी को लड़ाया, ना आगे चुनाव लड़ेंगे, ना किसी को लड़ाएंगे। आज मीटिंग में भी हमने बात कही कि भाई आप हमारी दोनों मांगों को पूरा कर दो, आप ये तीनों कृषि कानून रद्द कर दो, आप MSP गारंटी कानून लागू कर दो, तो हम सब कृषि मंत्री जी को अपने सर पे बैठा लेंगे। ये हमने मीटिंग में कहा और यही हम अपने के दर्शकों को कहना चाहते हैं कि भाई यदि सरकार हमारी मांगों को मान जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, बड़ी बात है ये, यदि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द कर दे और MSP गारंटी कानून लागू कर दे तो हम कृषि मंत्री को अपने सर पे बैठा लेंगे। भाई हमें उनसे कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, हमें सरकार से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं। ये बातें भी आज मीटिंग के अंदर हुई। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर चर्चा हुई तो पीयूष गोयल साहब हैं वो वैसे कम बोलते हैं मीटिंग के अंदर, आज उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि जी FCI का उन्होंने अभी कल ही वो स्थापना दिवस मना के आए हैं और FCI को सरकार बहुत बढ़ावा देगी, FCI को सरकार बहुत मजबूत करेगी, तो किसान भाई निश्चिंत रहें, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली। हमने कहा जी आप एक बात बताओ, जब से आपकी सरकार आई है तब से FCI के ऊपर कर्ज 3 गुना बढ़ गया। जब 2014 में आप सत्ता में आए FCI के ऊपर कर्ज था 90,000 करोड़ का, आज FCI के ऊपर कर्ज हो गया 2,65,000 करोड़ का। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी सरकार ने जो बजट में एलोकेशन होती थी FCI को फूड के लिए, फूड सब्सिडी होती थी, वो आपने खत्म कर दी। और आज के दिन FCI जो हमारे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड होते हैं NSSF बोलते हैं जिसे, उससे वो मदद लेने के लिए मजबूर है। आज के दिन NSSF का 1,91,000 करोड़ रुपया कर्जा है,
एफसीआई के ऊपर, तो हमने कहा जी मंत्री जी आप कह रहे हो कि आप एफसीआई की तरक्की करोगे, आपने तो एफसीआई को बर्बाद कर दिया। आप तो अब इस तैयारी में लगे हो कि जैसे आपने रेल बेची, जैसे आपने हवाई जहाज बेचे, अब आप एफसीआई को भी अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं, अडानी एग्रोटेक के बोर्ड जैसे लगाए। बिल्कुल, ये सब सब बातें हुई। फिर सरकार आई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर थोड़ी चर्चा हुई, तो हमने कहा जी इसमें तो आप ये एक्ट बनाया नहीं, इसमें तो सिर्फ आपने अमेंडमेंट करी है, आप उस अमेंडमेंट को वापस ले लो अगर इसी पे बात करें। तो हमने उसमें बताया, सरकार ने अपना पक्ष रखा, हमने फिर अपना पक्ष रखा कि भाई आप इसके पॉइंट नंबर 2B है, उसमें 2 पॉइंट के बाद नीचे पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है कि भाई स्टॉक लिमिट वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर पे नहीं लगेगी और सिर्फ किसान पे लगेगी। किस सूरत में? जब हॉर्टिकल्चर के दाम 100% बढ़ जाएंगे और बाकी जो अनाज है नॉन पेरिशेबल आइटम उसके दाम 50% बढ़ जाएंगे। यानी यदि आपका फल सब्जी 5 रुपए किलो बिका है पिछले साल, यदि वो 10 रुपए हो गया तो आप दोबारा से स्टॉक लिमिट लगाओगे, लेकिन वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पर लगाओगे, आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और आप प्रोसेसर पे नहीं लगाओगे, यानी कंपनी पे नहीं लगाओगे। तो उसके पास सरकार का कोई जवाब ही नहीं था। सरकार अपना फिर लंबा चौड़ा भाषण देने लग जाते हैं, सरकार के मंत्री लोग, अधिकारी लोग कहते हैं जी हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अरे भाई हम प्रेजेंटेशन देखने नहीं आए हैं अधिकारियों की, हमने तो अपना पक्ष बता दिया। तो सरकार उसमें हम बिल्कुल पिन पॉइंट सवाल पूछते हैं, सरकार घुमा फिरा के पूरा भाषण दे देगी, लेकिन जो सवाल होता है उसका जवाब नहीं देंगे। ये चल रहा है और अभी उम्मीद है, बाकी नेताओं ने भी ये बात कही, सभी नेताओं ने ये बात कही कि भाई हमने इन कृषि कानूनों पे तो इनका पक्ष जान लिया, इनका क्या है क्या नहीं है, MSP पे भी ये फाइनल जवाब दे दें, क्योंकि सरकार देश को गुमराह कर रही है। सरकार कह रही है जी हम MSP पे लिखित में देने को तैयार है। ये दर्शक ये बात बड़ी ध्यान से समझें, सरकार ये कह रही है कि जी MSP पे लिखित में देने को तैयार है, लेकिन सरकार क्या लिखित में देने को तैयार है? सरकार ये बात लिखित में देने को तैयार है कि जो अब तक MSP पे खरीद होती आई थी वो आगे जारी रहेगी एक दो फसलों की। हमारी मांग ये नहीं है, हमारी मांग ये है कि जिन 23 फसलों का MSP सरकार तय करती है, CACP तय करता है, उन 23 फसलों को MSP पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून होना चाहिए। और CACP भी ये बात कह चुका है 2018 में कि किसानों के लिए राइट टू सेल ऑन MSP मिलना चाहिए। तो ये मांग है, अब देखते हैं, उम्मीद है कि इस जो ब्रेक के बाद जब ये बैठक शुरू होगी तो MSP पे भी इस पे चर्चा होगी और जो सरकार की पोल है इस मुद्दे पे वो भी खुल जाएगी, जैसे 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुली है।